हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिमोल लातर चैनल। देख सकते हैं ये MMC में बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं और ये फॉर्मेट भी नहीं हो रही है। तो ये रेडमी नोट 6 प्रो की MMC है, तो हम इसको EasyJTAG टूल में ओपन करके चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे MMC को पासवर्ड लॉक है, तो इसको हम पहले रिमूव करेंगे पासवर्ड इसका। एडवांस टैब में जाना है, यूनिवर्सल फॉर्मेट रिपेयर करना है यहाँ पे। चेक करेंगे कि इसकी लॉक रिमूव हो चुका है नहीं। देख सकते हैं MMC डेट दिखा रहा है। MMC को एक बार सॉकेट से निकाल के फिर लगाइए और दोबारा चेक करिए। देख सकते हैं दोस्तों, MMC का लॉक हट चुका है। अपनी MMC अभी ओके हो चुके, तो अभी हम इसको रिपार्टीशन करेंगे एक बार, उसके बाद इसको रीप्रोग्राम करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा भी एरर नहीं आया अभी। तो इसको हम यूनिवर्सल फॉर्मेट करेंगे। पहले फॉर्मेट नहीं हो रही थी MMC, देख सकते हैं फॉर्मेट हो चुके हैं। तो इसकी रिपार्टीशन भी करेंगे इसको एक बार। रिपार्टीशन के लिए आपको रूम ओन का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है और फाइनल रेट देना है। तो पहले से किसी ने इसको रिपार्टीशन की हुई MMC से, तो अब हम इसको जो इसका बैकअप था, मैंने पहले से इसका बैकअप लिया हुआ था, तो इसका बैकअप हम इसको राइट कर देंगे। उसके बाद इसको फुल फ्लैश कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसका बैकअप जो है वो राइट हो चुका है। तो एक बार हम चेक करेंगे। देख सकते पार्टीशंस दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्मवेयर नॉट फॉर्म। तो अब इसको हम अपने लेटेस्ट फ्लैश फाइल से इसको फ्लैश करेंगे। देख सकते हैं मेरे पास नोट 6 प्रो की MIUI 11 वाली फाइल है, तो हम इसको फ्लैश करेंगे फाइल से। आप बैकअप राइट करके या डंप राइट करके आप बाद में इसको USB से फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फ्लैश किया अच्छा होगा, लेकिन टाइम लगेगा इसको 1-1.5 घंटा। अब यूज़र डेटा को भी अनटिक करके इसको फ्लैश कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा।
अगर मेरे चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे EMMC के नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। EMMC का कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए दोस्तों, अपना फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है तो अब हम इसको चेक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, चेक हो गया और ये अपना मॉडल नंबर भी दिखा दिया।